नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद ही है मतलब भाग देने वाले में, बढ़िया से सीखिएगा। मैं प्रमोद सर, पी एक्स को जी एक्स से क्या करना है, तो भाग देना है। पी एक्स को जी एक्स से भाग देना, तो यहाँ पी एक्स बाबू ये है कौन, ये पी एक्स हुआ और ये हुआ हमारा जी एक्स, पी एक्स और जी एक्स। तो देखिए पी एक्स को जी एक्स से, जी एक्स से इससे इसमें क्या करना है, भाग देना। समझ में आ रहा है, यही समझ में आ रहा है। तो यहाँ पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए, तो कैसे दीजिए भाग, तो सबसे पहले भाग देने से पहले देख लेंगे कि क्या है। तो जी एक्स यहाँ पर लिख देते हैं, जी एक्स इजकल टू कितना है, वन प्लस एक्स, है ना। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज कर लेना है, क्या कर लेना है अरेंज। तो हाउ टू अरेंज इट, मतलब कैसे इसको अरेंज किया जाए। तो अरेंज करने के लिए जो एक्स वाला कंडीशन है, एक्स को पहले लिख देंगे और वो जो वन है उसको लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा जी एक्स। आ रहा है समझ में, ये हो गया। उसके बाद पी एक्स को यहां से लिख देंगे, पी एक्स क्या है, पी एक्स कौन है बोलिए, वहां से एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, हाँ बोलिए तब समझ में आएगा, है कि नहीं। अब देखिए इसको भी अरेंज करना है, ये बढ़ते हुए क्रम नहीं है, एक क्रम में सजाना है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में देना है या चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये पकड़ना है कि उस ऊपर वाले को हमने किस ऑर्डर में रखे हैं, मतलब किस श्रेणी में, बढ़ते क्रम में कि घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम में दिए हैं, मतलब एक्स वाले को एक साथ, तो इसमें भी एक्स वाले कहेगा सर जी इसमें एक्स वाला तो है ही है, तो इसमें बढ़ते हुए क्रम में क्या करेंगे, इसको सजा देना, ठीक है। तो पी एक्स यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, थ्री एक्स स्क्वायर, और ये एक्स क्या है अभी बोलियो, प्लस में, तो यहाँ लिख देंगे प्लस एक रे प्लस एक्स, ठीक है। तो और उसके बाद क्या है, माइनस वन, ये हो गया अरेंज, हो गया। अब क्या करना है, इससे इसमें क्या करना है, भाग देना है ना। तो चलिए भाग का कंडीशन समझते हैं, भाग जैसे हम लोग बच्चे में तो सीखे हैं, नहीं सीखे हैं भाग कैसे देते हैं। सपोज दैट पांच को मान लीजिए कि हमको बीस में लगाना है कि नहीं, तो ये तो भाग है, सिंपलेस्ट भाग है ना। तो इसी फॉर्म में इसको भी क्या करना है, तोड़ देना है। तो मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ठीक रहेगा कि यहाँ ठीक, यहाँ ठीक रहता है। तो लिख देते हैं कौन, एक्स प्लस वन, उसके बाद इसको लिख देंगे कितना, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, यही ना, इतना ही करना है। अब देखिए अब ये कंडीशन है, सबसे पहले हम कुछ बेसिक टॉपिक को समझा देते हैं। बेसिक टॉपिक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम छः देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं तीस, छः यहाँ पर क्या दिए हम, तीस। तो तीस जब दिए तो छ में हम पहले सोचते हैं ना कि छ में कितना से गुना करेंगे, छ में कितना से गुना करेंगे ताकि क्या हो जाए हमको, तीस हो जाए। तो बताइए कि आप लोग छ में कितना से गुना करेंगे तो तीस हो जाएगा, कि सर जी ये तो पांच से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीस लग जाएगा, तीस ये कट गया, ये कट गया, कट गया ना। अब वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे, जो कंडीशन इससे पहले अप्लाई किए थे वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करना, समझ रहे हैं बात को। तो इस एक्स में अपने बुद्धि से, अपने तर्क से, है कि नहीं, आपको सोचना है और बताना है इसमें कितना से गुना करेंगे ये एक्स वाले में, ताकि हमको यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर भी हो जाए। कितना से गुना करेंगे, चलिए बहुत अच्छी जवाब है, थ्री एक्स से यदि गुना कर देंगे, कैसे, थ्री एक्स आ गुना कर देंगे एक्स से, तो एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, और थ्री गुना एक करेंगे तो थ्री हो जाएगा, है ना। तो थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री एक्स स्क्वायर लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद ये जो एक बचा है, एक को भी इसी के साथ में क्या करना है, गुना करना है। तो कितना बार में हो जाएगा, एक को तीन एक्स से गुना करेंगे तो कितना होगा, तीन एक्स, तीन एक्स होगा ना। ये प्लस है, यह भी प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा थ्री एक्स, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ से चिन्ह को बदलिए, यहाँ क्या है प्लस, नहीं यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या लिख देंगे प्लस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस, वहाँ है प्लस तो यहाँ लिख देंगे माइनस। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है, तो नीचे में क्या देंगे माइनस, गुड वेरी गुड। अब उसके बाद ये वाला और ये वाला पर्टिकुलर क्या हो गया, कट गया, कट गया।
अब यहाँ पर देखिए ये क्या है 3x माइनस में और 1x क्या है ये प्लस में, तो 3x में से 1x को क्या करना है घटा देना, तो कितना बचेगा 2x। अभी लिख देते हैं ऊपर से क्या है ये माइनस एक। अब यहाँ पर क्या देखिए समझिए, ये 3x किस में है माइनस में और 1x क्या है भाई प्लस में, तो घटा को तो क्रियाक्रम होगा ही होगा लेकिन चिन्ह को देखिए कि किसका चिन्ह लगेगा, तो 3x का चिन्ह माइनस में 1x का चिन्ह, तो दोनों में बड़ा कौन है तो भाई बड़ा सर जी ये 3x है, तो 3x का चिन्ह क्या है तो माइनस में, इसलिए यहाँ लगा देंगे हम माइनस। अरे बात पकड़ में, अब चलिए यहाँ तो हो गया। अब यहाँ से फिर से सोचिए वही टॉपिक है, फिर वही थिंक करना कि इस एक्स में समझ रहे बात को, इस एक्स में कितना से गुना करेंगे ताकि यहाँ 2x हो जाए, कितना से गुना करना पड़ेगा कितना से, तो सर जी यहाँ 2 से 2 से गुना कर दीजिए ना सिर्फ 2 से, तो चिन्ह क्या करेंगे चिन्ह किसके साथ में लगाएंगे, तो देखना है कि क्या पुराना है हमको माइनस, तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई चिंता नहीं ना, तो चलिए ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे माइनस 2x ठीक है। अब ये देखिए माइनस नहीं प्लस 1 और माइनस 2 है ना, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा 2, समझ गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे चिन्ह को बदल लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी क्या होगा प्लस, तो ये वाला कट गया ना, तो अब देखिए ये प्लस में 2 और ये माइनस में 1, तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1, और चिन्ह 2 का बड़का है प्लस में, तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस में, हो गया ये शेष फल, क्या हो गया ये शेष फल, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।